लेट्स स्टार्ट क्लास टू अनदर प्रॉब्लम। हमें यहाँ पर गिवन है फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। सम जो गिवन है उसमें है देर आर 25 फीमेल्स। फीमेल्स हमें गिवन है 25। फीमेल्स कितने गिवन है 25 और मेल्स गिवन है 38। मेल्स गिवन है 38, महिलाएं हैं, मेल फीमेल्स हैं 25, पुरुष आदमी है, मेल है 38। अब पूछ रहा है वो टोटल इन ऑफिस। क्या पूछ रहा है? टोटल इन ऑफिस में क्या करना होगा? जब भी टोटल इन ऑफिस की बात करेगा, टोटल इन ऑफिस का मतलब है कि दोनों। टोटल इन ऑफिस का क्या मतलब है? मेल और फीमेल दोनों, क्योंकि ऑफिस में दोनों काम करते हैं, मेल भी काम करते हैं, फीमेल भी काम करते हैं, तो दोनों मिलाकर कितने होंगे? दोनों मिलाकर कितने होंगे? प्रॉब्लम है हमारी, दोनों मिलाकर कितने होंगे, इसका आंसर कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेल कैंडिडेट्स कितने गिवन है हमारे को 38। मेल कैंडिडेट्स कितने गिवन है 38। इसके बाद हमें गिवन है फीमेल कैंडिडेट्स। क्या गिवन है? फीमेल कैंडिडेट्स। क्या गिवन है? फीमेल कैंडिडेट्स, वो कितने गिवन है 25। वो कितने गिवन है 25। टोटल की बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ऑल की, टोटल की। जब भी ऑल की और टोटल की बात होगी हमें हमेशा क्या करना होगा? प्लस। ऑल की टोटल की बात होगी हमें क्या करना होगा? हमेशा प्लस। क्या करना होगा? हमेशा प्लस। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी प्लस करते हैं वंस की प्लेस को, टेंस की प्लेस को, टेंस की प्लेस से वंस की प्लेस को, वंस की प्लेस से सम करते हैं। ठीक है, चलिए थ्री। ठीक है, वंस की प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? 8 और 5। 8 और 5 को सम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए 8 लाइन्स ड्रॉ करिए, 5 के लिए 5 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5। 8 के लिए 8 लाइन्स ड्रॉ करिए, 5 के लिए 5 लाइन्स ड्रॉ करिए। ठीक है, सम करते हैं, प्लस करते हैं, लाइन स्टार्ट करते हैं बोलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आंसर आया हमारे पास? 13 टू डिजिट है। जब भी आंसर आएगा वंस की डिजिट में, सबसे वंस की प्लेस वाला नंबर लिखेंगे तो 1 3 में क्या है, वंस की प्लेस पर 3 क्या है? 3। अब बचा हमारे पास क्या है? 1 हमारा जाएगा टेंस के प्लेस पर कैरी एड होने। कहाँ जाएगा 1? टेंस के प्लेस पर जाएगा कैरी एड होने के लिए। ठीक है, तो 8 + 5 कितना हुआ? 8 + 5 कितना हुआ? 13। 13 का 3 हमने वंस के प्लेस पर लिख दिया, बचा हमारे पास 1। 1 कहाँ जाएगा? टेंस के प्लेस पर जाएगा कैरी होने के लिए, एड होने के लिए, सम होने के लिए। 1 3 और 2, अब क्या करना है हमें? 1 + 3 + 2 का सम करना है। 1 1 2 3 और 1 2। 1 1 2 3 1 2 लाइन्स ड्रॉ कर लिए, बचा कितना है? 1 2 3 4 5 6। कितना सम हुआ? 1 कैरी का 3 का 3 लाइन्स, 2 की 2 लाइन, 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए टोटल कैंडिडेट्स? ऑफिस में ऑल की बात करेंगे, कितने हो गए? 63 ऑल कैंडिडेट्स इन ऑफिस प्लस 63। कितने हो गए? 63। कितने कैंडिडेट्स हो गए टोटल? 63। कितने हो गए? 25 + 38 63। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है कि एक क्लास है। क्या गिवन है? एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास है, उसमें सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी है। ठीक है, सेक्शन ए में है 26 स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास? एक तो है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी और एक है सेक्शन सी। टोटल 3 सेक्शन हमें गिवन है। ठीक है, क्लास में 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में एक में है 26 स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में है 27 स्टूडेंट्स, सेक्शन सी में 24 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सेक्शन ए इसमें 26 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 27 स्टूडेंट हैं, सेक्शन सी में 24 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है? इनका टोटल क्लास में पता लगाना है कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात समझते हैं। अगर एक क्लास बी है, क्या है टोटल? क्लास बी है, तो क्लास बी में क्या होता है? 3 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है। तीनों को मिलाकर क्या है?
क्लास तो एक ही है ना, क्लास तो एक ही है, उसके सेक्शन अलग अलग पार्ट हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि तीनों का सम करना होगा। क्या करना होगा? तीनों का सम करना होगा, तीनों को प्लस करना होगा। कैसे करेंगे भाई? ठीक, वंस की प्लेस को वंस की प्लेस से, टेंस की प्लेस को टेंस की प्लेस से सम करेंगे। क्लियर है? वंस की प्लेस पर क्या है? सिक्स सेवन एंड फोर, सिक्स सेवन एंड फोर। वंस की प्लेस पर क्या क्या प्लेस वैल्यूज है हमारे पास? सिक्स सेवन एंड फोर करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर कितना है? सिक्स के लाइन ऑफ सेवन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर कितना बचा? फोर। वन टू थ्री फोर, ठीक है। चलिए सम करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन। कितना हुआ? सेवनटीन। सेवनटीन का सेवन टेंस के प्लेस पर कैरी बची हमारे पास वन, तो वन कहाँ चला जाएगा? टेंस के प्लेस पर कैरी होने के लिए। कहाँ चला जाएगा? टेंस के प्लेस पर कैरी होने के लिए। हमारे पास क्या क्या नंबर बचता है टेंस के प्लेस पर सम करने के लिए? टू प्लस टू प्लस टू, टू प्लस टू प्लस टू, ठीक है। टू प्लस टू प्लस टू, टू 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 और वन कैरी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने हो गए? सेवन। तो एक सेक्शन में स्टूडेंट हैं, सेक्शन ए में 26, सेक्शन बी में 27, सेक्शन सी में 24, ठीक है। अब तीनों का क्या करना है? हमें क्लास में स्टूडेंट पता करना है। तो क्लास एक पूरी क्लास में तीन सेक्शन हो सकते हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? जब तीन पूरी क्लास का पता लगाना है तो क्या करना होगा? हमें तीनों का सम करना होगा। क्या करना होगा? तीनों का सम करना होगा। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए टोटल? 77 स्टूडेंट्स। टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास क्लास में? 77 स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास? 77 स्टूडेंट्स। अनदर प्रॉब्लम है जिसमें गिवन है हमारे को कि एक गार्डन है, देर इज़ अ गार्डन। क्या गिवन है? देर इज़ अ गार्डन, एक गार्डन है। क्या है? एक गार्डन है इन विच जिसमें देर आर 19 एप्पल के ट्री हैं, 34 मैंगो के ट्री हैं, ठीक है। तो मैंगो के ट्री कितने हैं गार्डन में? मैंगो ट्रीज, ठीक है। मैंगो ट्री के अलावा हमारे पास है एप्पल के ट्रीज और गुआवा के ट्रीज। ठीक है, मैंगो के ट्रीज़ हैं, गुआवा के ट्रीज़ हैं और एप्पल के ट्रीज़ हैं। मैंगो के ट्रीज़ हमारे पास है 34, एप्पल के हैं हमारे पास 19 और गुआवा के ट्रीज़ हैं हमारे पास 26। मैंगो के हैं 34, एप्पल के हैं 19 और गुआवा के हैं 26। हमें क्या करना है? टोटल पता लगाना है। क्या करना है हमें? टोटल पता लगाना है। टोटल पता लगाने के लिए क्या करना है हमारे को? वही नॉर्मल ट्रिक, बेसिक सम करना है, प्लस करना है। किसको किससे करेंगे? वंस की प्लेस को सब वंस की प्लेस से करेंगे, टेंस की प्लेस को सब टेंस की प्लेस से करेंगे, ठीक है। वंस की प्लेस पे क्या क्या नंबर है? फोर नाइन एंड सिक्स। क्या क्या नंबर है? फोर नाइन एंड सिक्स। तो फोर को पहले फोर लाइन्स ड्रॉ करते हैं, नाइन के लिए नाइन लाइन्स ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सिक्स के लिए सिक्स लाइन्स ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री फाइव सिक्स, फोर के लिए फोर लाइन्स ड्रॉ करी, नाइन के लिए नाइन लाइन्स ड्रॉ करी, सिक्स के लिए सिक्स लाइन्स ड्रॉ करी। सम करते हैं, प्लस करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एट्टीन नाइनटीन। कितना हुआ? वन नाइन नाइनटीन। कितना हुआ? वन नाइन नाइनटीन। अब नाइनटीन का नाइन तो कहाँ जाएगा? वंस के प्लेस पे, और जो रिमेनिंग वन बचा वो कहाँ जाएगा? टेंस के प्लेस पर कैरी वाला, ठीक है। 19 का 9 जो आया वो तो आया वंस के प्लेस पर, और जो रिमेनिंग वन बचा वो कहाँ जाएगा? वंस के प्लेस पर, टेंस के प्लेस पर जाएगा कैरी होने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है? 1312। क्या सम करना है हमारे को? 1312। क्या सम करना है हमारे को? 1312। क्या सम करना है? 1312। 1 1 2 3 1 1 2। वन कैरी का टेंस, 34 का 3, 1 2 3, 19 का 1, 26 का 2। सम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7
कितना हो गया आंसर? 7। तो टोटल कितने ट्रीज हो गए गार्डन में? ट्रीज इन गार्डन कितने हो गए टोटल? 79। कितने हो गए गार्डन में ट्रीज? 79। कितने हो गए गार्डन में ट्रीज? 79। एक अनदर प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसमें है आइसक्रीम वाली प्रॉब्लम। क्या है? आइसक्रीम, गर्मी में खाते हैं ना आइसक्रीम, वो वाली प्रॉब्लम है आइसक्रीम वाली। ठीक है, एक आइसक्रीम सेलर है, देयर इज एन आइसक्रीम सेलर। एक आइसक्रीम सेलर आइसक्रीम बेचने वाला है, ठीक है, जो क्या करता है, देयर इज एन आइसक्रीम सेलर हु हैज 25 चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम है उसके पास, ना एक है मैंगो आइसक्रीम उसके पास, और एक है वनीला आइसक्रीम उसके पास। ठीक है, आइसक्रीम सेलर के पास तीन तरह की आइसक्रीम है, चॉकलेट आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम। कितनी आइसक्रीम है? तीन तरह की, चॉकलेट, मैंगो और वनीला। चॉकलेट है उसके पास 25, और मैंगो है उसके पास 18, और जो वनीला है वो है उसके पास 22। ठीक है, क्या ये बने कि एक आइसक्रीम सेलर है, देर इज एन आइसक्रीम सेलर हुए सॉल्ट 25 चॉकलेट आइसक्रीम। 25 तो उसने चॉकलेट की आइसक्रीम सेल करी है, 18 उसने सेल करी है मैंगो की आइसक्रीम, और 22 उसने सेल आउट करी है वनीला आइसक्रीम। क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल कितनी आइसक्रीम उसने सेल आउट करी है। सेल आउट करना मतलब बेचना, सेल आउट करना मतलब बेचना, सेल करना मतलब बेचना, सेल करना मतलब बेचना। तो उसने अपने आप से कितनी आइसक्रीम बेची है और उसके बदले में उसको पैसे मिले हैं। ठीक है, तो टोटल उसने कितनी आइसक्रीम सेल आउट करी है, बेची है, इसके बारे में क्या करना है हमें? सम करना है। ठीक है भाई, अब सी प्लेस वंस की प्लेस वैल्यू, फिर टेंस की प्लेस वैल्यू। पहले वंस की प्लेस वैल्यू के लिए सम करेंगे, फिर टेंस की प्लेस वैल्यू के लिए सम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस की प्लेस वैल्यू पे क्या क्या नंबर है हमारे पास? 5, 8 और 2। क्या क्या नंबर है? 5, 8 और 2। 5, 8 और 2 क्या क्या नंबर है? 5, 8 और 2। तो 5 के लिए 5 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5। 8 के लिए 8 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 के लिए 2, 1, 2। अब सम करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल कितने हो गए? 15। 15 का मतलब 1 एंड 5 में 5 तो आएगा वंस की प्लेस पर, जो 1 बचा वो कहाँ चला जाएगा? टेंस की प्लेस पर कैरी होने, कहाँ चला जाएगा? टेंस की प्लेस पर कैरी होने। तो वंस की प्लेस पर क्या था हमारे पास? 5, 8 एंड 2। पहले हमने इन तीनों का सम किया है, अब हमें क्या करना है? अब जो हमारे पास टेंस की प्लेस वैल्यू जो नंबर्स हैं 2, 1, 2 और 1 के रिका, इनका सम करना है। ठीक है, 2, 1, 2 और 1 क्या सम करना है हमारे को? जो बाकी टेंस की प्लेस वैल्यू पर नंबर है हमें उनको सम करना है। करते हैं, सबसे पहले के रिका 1, फिर 2 प्लेस से टेंस की प्लेस वैल्यू का नंबर 2, फिर 18 का 1 और 22 का 2। सम करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 65। तो टोटल कितनी आइसक्रीम उसका सेल आउट करिए? 65। टोटल कितनी आइसक्रीम उसने सेल आउट करिए? 65। कितनी करिए? 65 टोटल आइसक्रीम कितनी सेल आउट करिए उसने? 65 चॉकलेट की आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम गिवन है हमारे को 25, चॉकलेट आइसक्रीम हमें गिवन है 25, मैंगो आइसक्रीम हमें गिवन है 18, वनीला आइसक्रीम हमें गिवन है 22। टोटल आइसक्रीम कितनी हो गई? वंस की प्लेस को करेंगे 5 प्लस 8 13 13 प्लस 2 15। 15 का 5 कैरी 1, टेंस की प्लेस पर हमारे पास है 2 1 2 प्लस कैरी का 1, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 65। कितना हो गया टोटल? 65। ठीक है, अनदर प्रॉब्लम जो हमें गिवन है वो है कि एक, ठीक है पहले इसको रब करते हैं फिर आगे समझते हैं यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम दी जाने के बारे में। ठीक है, देर इज़ एन बस, एक बस है
एक बस के अंदर आदमी जा रहे हैं, तो जो मेन है ना, एक वुमेन है और किड्स है, ठीक है। मेन मतलब आदमी, वुमेन्स मतलब लेडीज़ औरतें, और किड्स मतलब बच्चे, ठीक है। तो मेन्स जो है वो है हमारे पास 43, मेन्स कितने हैं 43, किड्स हैं 27, वुमेन्स है 27 और किड्स हैं 24। मेन तो है 43, ठीक है, वुमेन्स है 27 और किड्स हैं 24। कितने मेन गिवन है बस में, कितने मेन्स जा रहे हैं 43, वुमेन्स जा रहे हैं 27 और किड्स जा रहे हैं 24, ठीक है। तो बस में पूछ रहा है कि टोटल कितने जा रहे हैं बस में। जब भी टोटल की बात होगी हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे हमेशा, प्लस करेंगे। टोटल की बात होगी तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारे वंस की प्लेस वैल्यू, फिर टेंस की प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लस करना है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वंस की प्लेस वैल्यू से। वंस की प्लेस वैल्यू पर क्या क्या नंबर है हमारे पास, 374, क्या क्या है 374, क्या क्या नंबर है 374। सबसे पहले इन 37 और 4 को सम करते हैं, 3 के लिए 3 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 7 के लिए 7 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, और 4 के लिए 4 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए अब सम करना स्टार्ट करते हैं, एडिंग करना, कैलकुलेशन करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना आया आंसर 14। वंस के प्लेस पर कितना आया 14, तो 14 आया तो क्या करेंगे, 4 तो कहाँ चला जाएगा आपका वंस के प्लेस वैल्यू पर, और जो 1 बचा वो कहाँ चला जाएगा टेंस के प्लेस वैल्यू पर, कैरी एड होने, कहाँ चला जाएगा 7 + 3 हो गया हमारा 10, 10 + 4, 14, 14 का 4 कैरी चला गया 1 पर एड होने टेंस के प्लेस पर, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचता है सम करने के लिए, 1, 4, 2, 2, क्या क्या बचता है, 1 तो कैरी का, 4 मेंस का, 2 लेडीज़ का और 2 किड्स का। टेंस के प्लेस वैल्यू पर क्या क्या है, 1 तो कैरी का है, 4 जो है वो मेंस का है, 1, 2, 3, 4, 2 वुमेन का है, 1, 2, 2 किसका है हमारे पास किड्स का, 1, 2, ठीक है, हो गया टोटल। अब हमें क्या करना है, टेंस के प्लेस वैल्यू पर जो भी नंबर्स है उनका सम करना है, करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना हो गया 9, कितना हो गया टोटल हमारे पास बस में, कितने जा रहे हैं 94%, कितने जा रहे हैं बस में 94%, कितने जा रहे हैं बस में 94, 43, 27, 24, ठीक है। 3 + 7, 10, 10 + 4, 14, 14 का 4 कैरी 1, 4 + 1, 5, 5 + 2, 7, 7 + 2, 9, कितना हो गया टोटल बस में, कितने जा रहे हैं 94 जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेबी प्ले स्कूल, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ आवर चैनल।